સીધા જ આપને લઈ જઈએ લોકસભામાં, જ્યાં કાર્યવાહી ફરી એકવાર શરૂ કરવામાં આવી છે. और जो लोग नीति निर्माण में हैं, सरकार और शासन चलाने में हैं, सरकारों में हैं, कि उनका दायित्व है कि देश की फौज की भी हम लोग चिंता करें. 2001 से फौज मांग कर रही थी और 2012 में मंत्री जी लिखते हैं कि मैं रफाल को मंजूरी देता हूं, लेकिन जिस प्रक्रिया से यह तय किया है उसके ऊपर पुनः विचार किया जाए. ये 2012, 2014 तक कुछ नहीं हुआ और सरकार बदलने के बाद एक बार फिर इस देश की वायुसेना ने इस आग्रह को देश के सामने रखा. ये आग्रह था कि तुरंत इसको लाया जाए. इन सब बैठकों के बाद जब 2015 में प्रधानमंत्री जी गए, और मैं जो राहुल जी ने विषय उठाए हैं अब उसके उत्तर पे आता हूं, और मैं चाहूंगा कि मेरे कांग्रेस के मित्र भी, ये देश की सुरक्षा का मामला है इसलिए गंभीरता के साथ इन विषयों को समझ लें. प्रधानमंत्री जी का जो प्रेसिडेंट हॉलैंड के साथ बैठक हुई और उसमें जो प्रेस स्टेटमेंट जारी हुआ, उस प्रेस स्टेटमेंट में था कि हम लोग रफाल इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत खरीदेंगे ऑन टर्म्स एंड कंडीशन विच आर बेटर देन व्हाट वाज ऑफर्ड अर्लियर. जो यूपीए के जमाने में टर्म और कंडीशन थी उससे बेहतर टर्म और कंडीशन पे करेंगे. ये कहा गया कि प्रोसेस क्या था. ये प्रोसेस था कि इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी, प्राइस नेगोशिएशन कमेटी और जो डिफेंस के लोग हैं, इसमें अधिकतर एयरफोर्स के अधिकारी होते हैं, कि किस तरह के एवियोनिक्स और किस तरह की वेपनरी चाहिए वो तय करने के लिए उनकी 74 मीटिंग्स हुई हैं. ये 74 मीटिंग्स का रिकॉर्ड और उसकी डिटेल सरकार ने ये जो नोट दिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में रिकॉर्डेड है कि 74 मीटिंगें हुई है. इन 74 मीटिंग्स के बाद जब समझौता फाइनलाइज हो गया तो वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाता है, रक्षा मंत्री के पास जाता है और मंजूरी देने से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे आता है. सारी प्रक्रिया पारित होने के बाद सरकार 2016 में डसॉल्ट के साथ अपना समझौता तय करती है. इस प्रोसेस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, किसी माननीय सदस्य के पास ये अधिकार नहीं है कि यहां खड़ा होकर कहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे हाथ में है. प्रोसेस पे सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने प्रोसेस एग्जामिन कर लिया है, हम सेटिस्फाइड हैं कि सारा प्रोसेस पूरी तरह से उसका पालन हुआ. दूसरा विषय, और मैं एक बार समझा दूं कि कृपया करके अपने दल की और उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष में जिस पद पे हैं उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा को मद्देनजर रखिए. ये 500 और 1600 की तुलना क्या है. ये दाम नहीं थे. दाम कैसे दिए जाते हैं. एक दाम होता है बेयर एयरक्राफ्ट का. एयरक्राफ्ट जो मैंने कहा केवल फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वो वेपन नहीं होता. दूसरा दाम होता है वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट का जिसपे पूरे वेपन फिट होते हैं. 2007 में एक ऑफर आई, वो 2007 की ऑफर में दोनों तरह के दाम थे और रक्षा मंत्री ने ठीक कहा कि बेसिक एयरक्राफ्ट का दाम हमने बता दिया है लेकिन वेपनाइज्ड का हम दाम बताएंगे तो दुश्मन को भी पता चल जाता है कि आपके पास किस तरह के वेपन हैं और हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का भी उल्लंघन करेंगे. और इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट में केवल एक विषय याद रखा जाए कि प्राइस फर्म नहीं होता. 2007 का भी फर्म नहीं था, उसमें एस्केलेशन क्लॉज था, हर साल इतना दाम बढ़ेगा, वो एस्केलेशन क्लॉज था. उसके बाद जब दोबारा बातचीत हुई तो दोबारा बातचीत के बाद दोबारा से बेसिक एयरक्राफ्ट की कीमत और उसके साथ साथ वेपनरी की कीमत और वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट की कीमत, ये दोनों की दोनों पे सरकार ने तय किया और इस पे समझौता हुआ. मैं बिना इस बात के इसको यकीनन कह सकता हूं, बिना किसी खंडन के डर से, कि बेसिक एयरक्राफ्ट का दाम 2016 की तारीख में यूपीए के दाम से 9% सस्ता था.
वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट का दाम यूपीए के दाम से 20% सस्ता था, और कम से कम उस समझौते को एंटनी साहब से आप समझ लेते। यूपीए का जो समझौता था कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर करोगे तो 11 साल लगेंगे सप्लाई करने में। अगर ये 11 साल की जानकारी होती, 11 साल की जानकारी होती, तो आज ये तर्क ना दिया जाता कि 2016 में हुआ, 18 तक क्यों नहीं आए 2 साल में। अरे तुमने तो 11 साल का समय दे रहे थे। और ये जो मैं कह रहा हूं 9% और 20%, ये केवल पहले जहाज की के बीच का अंतर है। जब दूसरा, चौथा, आठवां और 18वां आएगा तो जो एस्केलेशन क्लॉज आज तय हुआ है वो इनके एस्केलेशन क्लॉज से सस्ता है। तो हर सक्सेसिव जहाज के लिए ये 9 और 20 का जो दाम है ये अपने आप में बढ़ता जाएगा। दाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अगर ये चाहें तो मैं इनको पढ़ के भी बता सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने पहले तय किया कि हम दाम को नहीं देखेंगे, बाद में हम अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए, टू सेटिस्फाई द कॉन्शियस ऑफ द कोर्ट, हमने दाम मांगा। सरकार ने दाम सील्ड कवर में हमें दिया, हमने सील कवर खोल के पढ़ा, और पढ़ने के बाद अपनी कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के बाद हमें लगा कि इस केस में हस्तक्षेप करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियस सेटिस्फाई हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनावी जरूरत उससे सेटिस्फाई नहीं हुई। अब तीसरे विषय पे आ जाएं। शशि, आई वुड एक्सपेक्ट मच बेटर फॉर यू, नो हैविंग नोन यू फॉर 45 ईयर्स। प्लीज एटलीस्ट यू ऑलवेज रीड एंड राइट, एंड देयरफॉर दोज़ हू कांट, एंड देयरफॉर प्लीज रीड द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द जजमेंट सेज वी आस्क फॉर द प्राइज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कॉन्शियस ऑफ द कोर्ट। द गवर्नमेंट प्लेस द प्राइज बिफोर आस, वी ओपन द एनवेलोप, वी रेड द प्राइज, एंड आफ्टर गोइंग थ्रू इट वी डोंट थिंक इट इज अ केस वेयर वी वुड लाइक अ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द प्राइसिंग एट ऑल। That is what the Supreme Court says. Madam, let me now come. अब मैं आके तीसरी बात, तीसरे विषय पे भी इनको बतला दूं। तीसरा विषय क्या है? तीसरा विषय क्या है कि क्या आपने किसी एक औद्योगिक घराने को लाभ दिया है? ये ऑफसेट क्या होता है? ये मुझे खेद है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ऑफसेट की जानकारी नहीं है ये क्या होता है। और इस पे आंकड़ा देखिए, इस सदन में माननीय अध्यक्षा जी आप रोज देखते हो एक आंकड़ा लिखा होता है 1,30,000 करोड़। ये 1,30,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग क्या हुई? मेरा ये माय असेसमेंट इज द कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटजी हुज हैंड्स आर सोक्ड इन बोफोर्स, इन ऑगस्टा, इन नेशनल हेरल्ड, इफ दे कांट फाइंड एन एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द एनडीए, लेट अस मैन्युफैक्चर वन एंड लेट अस इन्वेंट वन, दैट इज देयर स्ट्रेटजी। ये 1,30,000, ये 30,000 ये कहां से आया? ऑफसेट का अर्थ है, और ये यूपीए की पॉलिसी थी 2005 की, और ये नीति ये थी कि अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट किसी से विदेशी से खरीदते हैं तो 30% से लेकर 50% तक उसे कहेंगे कि आप कोई सामान हिंदुस्तान में खरीदिए, वो सामान इस जहाज के लिए नहीं होगा, आपके किसी और काम का होगा, उन ऑफसेट सप्लायर से खरीदिए। आप उन ऑफसेट सप्लायर्स की वो लिस्ट बनाता है, और जब जब हम खरीदेंगे, पहला जहाज अगर 2019 में आता है तो उस जहाज की कीमत के अनुकूल 30% से लेकर 50% तक का उनको खरीदना पड़ेगा। पहली ट्रांजैक्शन में 30% होता था, रफाल में 50% है।
ये अलग अलग ऑफसेट सप्लायर से खरीदता है। कौन खरीदेगा? डिफॉल्ट। वो कौन सप्लायर है, कौन तय करेगा? डिफॉल्ट उनकी चॉइस है। अब कितने होंगे ऑफसेट? 58,000 करोड़ का पूरा डील है। ऑफसेट हुए 29,000 के अगले 10 साल तक टोटल। उसमें 100-120 ऑफसेट सप्लायर होंगे। जिस कंपनी का नाम लिया गया, डिसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे। 3 या 4% बनता है 800 करोड़। उस 800 करोड़ को कह दो वो ऑफसेट सप्लायर है। राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है। इनका ज्ञान तो एबीसी से शुरू करना पड़ेगा। वो ऑफसेट सप्लायर है। और कितने का टोटल ऑफसेट? 29,000 के। किसी से 200 करोड़ के, किसी से 500 करोड़ के, किसी से 800 करोड़ के। और यहां क्या लिखा है? 1,30,000 करोड़। 30,000 करोड़ ट्रांजैक्शन 58,000 करोड़ का है, ऑफसेट होगा 1,30,000 करोड़ के। मतलब इतनी ना समझी एक ऐसे दल में जिसने 60 साल तक देश पे हुकूमत की हो, इसकी कम से कम हमें अपेक्षा नहीं थी। अब यह विषय उठाया गया, इनका अंतिम विषय था, क्या आपने HAL से क्यों नहीं बनवाए? मैं एक सवाल इनसे पूछता हूं। ये तो HAL वाला कॉन्ट्रैक्ट कि 18 वहां से आएंगे और 108 HAL बनाएगी। UPA ने वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द क्यों कर दिया और वो आगे क्यों नहीं बढ़ाया? हमारी सरकार बाकी का क्या करना है उसके आगे आगे प्रोसीडिंग्स कर रही है, उसके टेंडर आ रहे हैं। कौन किसको जाएंगे वो तय होगा, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हो गए। क्या कारण था कि यूपीए के हाथ ठंडे हो गए थे कि हम इसको एग्जीक्यूट करें? और इनके जो मंत्री थे वो लिख रहे थे कि इसको उस पर लिख रहे थे कि ये पुनः विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है पेज 15 पे, उस वाक्य कहता है कि HAL की और सरकार की, HAL की और डिसॉल्ट की बातचीत पूरी नहीं हो पाई, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। क्या कॉम्प्लिकेशन था? मैं राष्ट्रहित में केवल एक का जिक्र करूंगा। हमारा पब्लिक सेक्टर इसको बनाए हम सबके लिए गर्व की बात है, लेकिन हमारी सेना को शीघ्र कॉम्पैटिबिलिटी बने वो भी राष्ट्र का हित है, दैट इज ऑल्सो पब्लिक इंटरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है पेज 15 पे, क्या कॉम्प्लिकेशन थी? और ये यूपीए के दौरान की कॉम्प्लिकेशन थी, एनडीए की नहीं। दीज हैव बीन सेट आउट एज अंडर मैन आवर्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एयरक्राफ्ट इन इंडिया। HAL required 2.7 times higher man hours compared to the French side for manufacture of aircrafts in India. HAL ने UPA को कहा कि 2.7 times ज्यादा man hours समय लगेगा और तब तक पाकिस्तान और चीन कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ा ले और हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स प्रतीक्षा करती रहे। और जब समय 2.7 times बढ़ता है तो दाम भी बढ़ता है। और इसलिए सारी सेना ये कह रही थी, एयरफोर्स ये कह रही थी कि मुझे ये तुरंत चाहिए। और तुरंत इसलिए चाहिए कि मुझे अपनी स्क्वाड्रन एबिलिटी बढ़ानी है। ये सार्वजनिक रूप से आया हुआ है कि इस कारण से जो यूपीए के 10 साल थे वो कारण एक अपने आप में बने कि हमारे एयरफोर्स की स्क्वाड्रन एबिलिटी धीरे धीरे कम होती गई है। और जब उस स्क्वाड्रन एबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उसमें इस प्रकार की देश हित के खिलाफ रुकावटें पैदा की जाती हैं। अध्यक्ष जी, मैं अंतिम विषय पे आता हूं कि JPC क्यों नहीं हो सकती? जब इसमें विषय क्या है? प्रोसेस, प्राइसिंग, ऑफसेट, HAL, सब पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो इस फैसले के विरुद्ध जाना, कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी इस फैसले के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट दे सकती है? ये पॉलिसी इशू नहीं है। जो PIL फाइल की वो इन्वेस्टिगेशन के लिए की थी, ये पॉलिसी का विषय नहीं है कि हमें कौन सा जहाज खरीदना है, कॉम्बैटिबिलिटी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। दिस इज नॉट अ पॉलिसी मैटर, दिस इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव और अ गवर्नेंस मैटर।
It's an investigation whether it's a clean deal or not a clean deal. The Supreme Court has said we have satisfied our conscience after seeing the prices. We have found the process was perfect. They have recorded why the HAL dialogue was abandoned. They have recorded that offset suppliers are decided by Dassault. ये सब फैसला करने के बाद जब ये सारे निर्णय हो गए तो उसमें जेपीसी के लिए क्या बना था. मैं केवल आपको एक दुनिया के लोकतंत्रों का एक प्रेसिडेंट बता दूं. जेपीसी सांसद होते हैं, पॉलिसी मैटर में तो हम एक मत के हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिव मामलों में हम पार्टी लाइन पे बट जाते हैं. जो पार्टिसन बॉडी है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती. इसका एक उदाहरण याद करिए, मैं फिर एक बार बोफोर्स पे आता हूं. इस संसद ने बोफोर्स के लिए, बोफोर्स की जांच के लिए कांग्रेस पार्टी पावर में थी, एक शंकरानंद जी की चेयरमैनशिप में जेपीसी बनाई थी. अब तो साबित हो गया कि बोफोर्स में कमीशन मिले, खाते पता चल गए, वो सारे सरकार के रिकॉर्ड पे हैं, सीबीआई के रिकॉर्ड पे हैं, करप्शन हुआ. पर जेपीसी ने क्या कहा था, शंकरानंद जी की जेपीसी ने, दीज आर नॉट किकबैक्स, दीज आर वाइंडिंग अप चार्जेस. द जेपीसी व्हाइट वॉश द होल एलिगेशन ऑफ करप्शन, दैट जेपीसी वॉज अ फ्रॉड ऑन द पार्लियामेंट्री प्रोसेस, एंड दिस जेपीसी इज बींग सॉट बाय दोज हू रिप्रेजेंट द लेगेसी ऑफ बोफोर्स टू इंडल्ज इन अनदर फ्रॉड. द रीजन बींग बिकॉज अवर हैंड्स आर सोक्ड इन करप्शन, यू आर अ क्लीन गवर्नमेंट, let me invent an allegation of corruption against you. This has been the entire burden of their song and therefore there can be no JPC at all in this transaction. Thank you, madam. Madam, I rise. Not now. Dipinder ji. Only Saugat. Dipinder ji. Bolna dijiye. Aapka samay aayega tab. Madam, I rise to speak in the discussion on the Rafael deal. Before I proceed any further, I think it is pathetic that the NDA, which has got 300 members in this Lok Sabha, had to borrow a member from Rajya Sabha to speak on their behalf. And not only that, that member from Rajya Sabha is not even the defense minister. He claims to be an expert on defense minister. But may I mention that Mr. Jaitley has lost his touch. He quoted Ian Fleming, saying the first time it's happenstance, second time it is coincidence, third time it is enemy action. He said something else. You forgot about enemy action altogether. Your memory is failing you, Mr. Jaitley. Third time it is enemy action. Also, I want to remind him, Jaitley ji, I want to remind him a little about French pronunciation. H-O-L-L-A-N-D-E is not Holland. His name was Hollande. You called him Holland as if the country is Holland. That was also a total wrong pronunciation. Now, to come to the subject, madam, our party, TMC, and our leader, Mamata Banerjee, believes in transparency and probity in all defense purchases. So, on behalf of our party, with our party leader here, I shall not indulge in tu-tu mai-mai, which Jaitley ji indulged in. Tumhare samay ye hua tha. We are asking about today, about the Rafael aircraft. We do not want to hear what happened in the past.